स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करे जिससे आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए 5 क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं करा जाएँ, वहाँ पर आप चैप्टर वाइज वीडियोज़ के थ्रू पढ़ सकते हैं और दूसरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करें जिसपे डेली क्विज होता है, ठीक है। और आपकी जो टाइमिंग रहती है वो 9:30 रहती है 11th क्लास की, आप उसमें जाके आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो पुराने यूजर्स हैं वो लाइक पहले से ही कर दें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों की वीडियो बनाता रहूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है जिसमें है लेट सेट ए इक्वल टू दिस, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर ए टू ए और आर की कंडीशन दे रखी है एक्स वाई, जो रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है 3x - y = 0, ये आपकी कंडीशन है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज, यानी डोमेन कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। देखो, डोमेन और रेंज वो आएगा ऑर्डर पेयर से, कि ऑर्डर पेयर में क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम रिलेशन के ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करते हैं और ऑर्डर पेयर आएगा कंडीशन से, और कंडीशन हमारे पास है 3x - y = 0। तो यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 3x। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू पुट कर करके, और फिर हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ब्रैकेट x कॉमा y, तो x पता करना और y। तो x आता है जिससे रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन है a टू a में, तो a क्या है 1, 2, 3, 4। तो हम x की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो केस 1 जिसमें मैंने x को 1 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा 3 × 1 3 आ गया। केस 2 जिसमें मैंने x को 2 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6। केस 3 x को मैंने 3 लिया, तो y 3 × 3 9 आ जाएगा। केस 4 x को अगर 4 लिया, तो y क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12। केस 5 में x को अगर मैंने 5 ले लिया, तो y आ जाएगा 15। 15 तो सेट में ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद आगे के सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। अब मैं रिलेशन को लिखूं, तो रिलेशन आप देख पा रहे हो x कॉमा वाई, यानी ऑर्डर पेयर में होता है। तो x है 1, तो y है 3, एक ऑर्डर पेयर हो गया। 2, 6 3, 9 4, 12 और 5, 15 तो रिजेक्ट हो गया, तो ये आए। तो रिलेशन में डोमेन जो है वो क्या है, x की वैल्यू जो आप पुट कर रहे हो, और जो आउटकम मिल रहा है यानी वाई, वो आपका रेंज होता है। तो ये कह सकते हो ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट डोमेन होता है, तो डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, तो कोडोमेन होता है कि जो रिलेशन डिफाइंड होता है, जैसे रिलेशन मान लो मैं कह रहा हूं ए टू बी में डिफाइंड है, तो जो दूसरा सेट होता है, अगर मैं इसको एरो डायग्राम समझाऊं, तो अगर ये सेट ए और ये सेट बी है, तो ये जो बी है ये आपका कोडोमेन होता है। अब फिलहाल जो रिलेशन है वो हमारा ए टू ए में है, तो बी को भी बोला गया वो ए है, तो यही हमारा कोडोमेन होगा, यानी हमारा कोडोमेन जो है वो ए के इक्वल होगा, सेट ए जो है, और सेट ए क्या है 1, 2, 3 डॉट 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 14, तो ये हमारा कोडोमेन, यानी कि जो रिलेशन हमारा ए टू बी बोलते हैं, जो दूसरा सेट होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। और रिलेशन में डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू, और जो वाई की वैल्यू वो हमारी रेंज है। क्लियर है? एक मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, आप ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया, आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी रिलेशन लिखना है और डोमेन रेंज बताना है, और लिखा है सेट ए जो है 1, 2, 3, 4, 6 से डायरेक्ट। आर है, आर जो रिलेशन है उसकी कंडीशन दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए और बी एलिमेंट लेने वो इसी से आएंगे, और बी जो होना चाहिए, यानी जो हमारा ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, तो जो बी होना चाहिए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। फिर बोला आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन लिखो, रेंज लिखो, तो रोस्टर फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन करा है उसमें जो हमने आर लिखा था 1, 3, 2, 6 वो जो लिख रहा है, ये ऑर्डर पेयर का जो फॉर्मेट लिखा था, यानी लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स जो हम डायरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, तो वो रोस्टर फॉर्म ही था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये नया क्या दे दिया। और जो ये लिखा हुआ है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जब हम लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट, इस तरीके कंडीशन लिखते हैं वो होता है सेट बिल्डर। और हम जब एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं,
या लिस्ट कर देते हैं उनको, तो उनको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो वो रोस्टर फॉर्म ही था। अब हमें कैसे इस वाले क्वेश्चन में डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट कंडीशन तो दे नहीं रखी है। तो आप क्या किया करो, जब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा करे, तो आप ये सोचा करो, रिलेशन हमेशा आता है दो सेट से, एक होता है ए और एक होता है बी। हालांकि इसमें जो रिलेशन है वो ए में है, तो इसका जो सेट बी है वो भी ए है। ठीक है, मतलब बी को भी ए ही बोला गया, क्योंकि उसी एलिमेंट सेम है। तो एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 ये है। और अगर रिलेशन की बात करें, तो रिलेशन भी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। किससे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पता तो कैसे होता है, वन का वन से, मतलब अगर मैं कहूँ ऑर्डर पेयर, मुझे इन दो सेट के लिए ए क्रॉस बी लिखना है, क्या लिखना है, मुझे इन दो सेट के लिए ए क्रॉस बी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1, 1 एक ऑर्डर पेयर में, 1, 2 1, 3 1, 4 1, 6 फिर 2, 1 ऐसे सारे लिखूंगा, एक एक करके सारे लिखना पड़ेगा। ये तो हुआ ए क्रॉस बी, और रिलेशन जो है वो उसी से आता है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, ए क्रॉस बी में और रिलेशन में, रिलेशन में बस वही ऑर्डर पेयर लेने जो उस कंडीशन को, जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करे, अदरवाइज हमें ऐसे ही मिलते हैं ऑर्डर पेयर। तो जब भी कोई डिफरेंट क्वेश्चन आए, आप ऐसे ये डायग्राम बना लें और फिर इससे डिसाइड करें कि ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब आपको क्या करना है, माइंड में तो ये रखना है कि जैसे दो सेट का क्रॉस होता है कि सारे एलिमेंट लिखने होते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3 वही लिखने हैं, लेकिन बस वो लिखने हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मैं लिखता हूं 1, 1, तो देख लो बी जो है वो एग्जैक्टली डिजिबाई ए है, ठीक है ये सही है। 1, 2 ठीक है, 1 से तो सारी हो जाएंगे, तो मैं सारी लिख देता हूं 1, 6 ठीक है। अब आते हैं 2 पे, तो क्या 2, 1 होगा, सोच के देखते हैं। यहां पे ये बी है और ये ए है, क्या बी ए से एग्जैक्टली डिजिबल है, 1/2 करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा, अगर पॉइंट में निकलेगा वो तो डिवाइड का अलग बात है, पॉइंट में निकाल देते हैं हम लोग, लेकिन एग्जैक्टली डिजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, 1/2 होगा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लेना है। फिर 2 से 2 का करते हैं, ठीक है हो जाएगा। 2 का 3 से अगर करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 3/2 करोगे पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 का फिर 4 से होगा डायरेक्ट, और फिर 2 का सीधा 6 से होगा। 3 पे आते हैं, अब समझ में आ गया होगा 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, 4 नहीं होगा, 3, 6 डायरेक्ट होगा। फिर 4 का करेंगे तो 1, 2, 3 नहीं होगा, सीधा 4 का 4 से होगा, और 6 का सीधा 6 से होगा। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए रिलेशन के लिए। तो समझ में आया, यानी कह सकते हैं जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। मतलब रिलेशन आता तो ए क्रॉस बी से ही है, जैसे क्रॉस निकालते हो, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करें, डोमेन तो वही होता है जो एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो पहला एलिमेंट है। तो ये नहीं कि 1 को 10 बार लिख दो और 10 बार लिखा है, 1 जितने बार भी लिखा हो आपको एक बार लिखना है। फिर क्या, 2 है और 3 है, 4 है, 6 है, यही है। रेंज की अगर बात करूं तो रेंज की बात है तो 1, 2, 3, 4, 6 जो आउटकम होता है, 1 भी है, 1, 2, 3, 4, 6 ये रेंज हो गया। वाई वाला एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है, जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, ये हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं पूछा है, लेकिन कोडोमेन पूछा जाता तो बोला था रिलेशन जो ए में है ए, तो ये 1, 2, 3, 4, 6 ये कोडोमेन होता अगर पूछा जाता तो। तो ये हो पाओ समझ में आ गया हो कि अगर आपको रिलेशन में क्वेश्चन करना है कोडोमेन और रेंज का, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रिलेशन लिखना है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। वो कंडीशन सेटिस्फाई करते आप रिलेशन लिखें, यानी ऑर्डर पेयर लिखें, और उससे डोमेन और रेंज बता दें। आइए आपको समझ में आया, नोट कर लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हमने दो क्वेश्चन कर लिए रिलेशन पे बेस्ड, जिसमें हमें डोमेन और कोडोमेन देखना था। अब मैं आपको फंक्शन पे क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिर्फ डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो देखो, एक तो बेसिक फंक्शन का हमें आइडिया होना चाहिए। वैसे डोमेन क्या होता है, मैं एक लाइन में समझ लो, डोमेन होता है एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो, ठीक है। और रेंज क्या होता है, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो हमें आउटकम मिलता है वो हमारा रेंज होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम होती है, चैप्टर थोड़ा नया सा होता है, और दूसरा इसमें दिमाग ज़्यादा यूज करना था। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है और मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और पुट कर दो सॉल्व हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या क्या कई बार वैल्यू छूट भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बाकी
और भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, तो और प्रैक्टिस आप कर लेना, अभी के लिए फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन मैंने कहता है एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक बताओ, अगर मैं एक्स को माइनस वन ले लूँ, ठीक है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, रूट में माइनस टू, तो रूट में माइनस टू तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, हम बात करें रियल फंक्शंस की, तो नेगेटिव नंबर तो डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आती है कि नेगेटिव नंबर के लिए ट्रू नहीं है, तो नेगेटिव नंबर तो हट गए। अगर मैं नंबर लाइन लूँ इसको समझाने के लिए, यहाँ जीरो है, तो यहाँ आपने देखा नेगेटिव नंबर लेने का तो कोई फायदा नहीं। चलो जीरो की बात करें तो जीरो भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो माइनस वन वो भी माइनस वन होता है। चलो वन की बात करें तो वन माइनस वन, ठीक है, जीरो हो जाएगा, वो जीरो डिफाइंड वैल्यू है। और वन के बाद आप, यानी हम वन के बाद कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री, यानी इस पर डिफाइंड है, तो ठीक है, एक पता लग गया डोमेन है वन से इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्ट लॉजिक भी है कि अगर रूट में कभी कोई नंबर आ जाए तो आप क्या करें, उसके अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दें, ठीक है। और यह इस इनइक्वालिटी से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, यानी इसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इनइक्वालिटी बेस्ड, आप थोड़ा प्ले लिस्ट में जाएँ और कॉम्पिटिटिव में जाना, उसमें मिल जाएगा आपको ये वीडियो, और उसमें आपको बड़े आराम से सारे टाइप की इनइक्वालिटी कवर हो जाएंगे अगर आप करना चाहते हैं मोर प्रैक्टिस। तो चलिए ये वन इधर आया, तो देखो हमने जो लॉजिकल सोचा था और इससे आया, देखो इसमें भी क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो मैं कह सकता हूं मेरा डोमेन आ गया वन से स्टार्ट हो रहा है, और ये ओपन क्लोज तो समझते हो ना, ओपन का मतलब है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, क्लोज का मतलब होता है ये इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू मतलब वन की वैल्यू लेनी है, अगर इंक्लूडेड है तो ये क्लोज, एक ओपन ब्रैकेट होता है और ये क्लोज होता है, क्लोज तब यूज करना है जब वो वैल्यू इंक्लूडेड हो। चलो इतना क्लियर हो गया, डोमेन आ गया। चलिए अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है जब आप एक्स को पुट करते हो जो आंसर मिलता है। आप एक्स कहां से पुट कर रहे हो, वन से, तो वन पुट करा, वन माइनस वन जीरो, सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो मिलेगी, ठीक है। टू रखोगे तो टू माइनस वन कुछ और वन मिल जाएगा, फिर थ्री रखोगे थ्री माइनस वन टू, टू का स्क्वायर रूट, यानी फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी, और फिर जितना बड़ा एक्स रखोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा वाई का, यानी इसका जो रेंज है मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका हो गया जीरो से इनफाइनाइट रेंज। और अगर रेंज कभी हम माइंड पे नहीं सोच पाते हैं तो उसका एक सेट पैटर्न है, वो मैं फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि वो रेंज कब फाइंड, कैसे फाइंड आउट करनी है अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो, ठीक है। फिलहाल चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, ये भी डायरेक्ट ही है। सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। चलिए पहले डोमेन का सोचते हैं कि डोमेन क्या होगा इसका। देखो अगर मैं एक्स को माइनस वन ले लूँ तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और मॉड क्या करता है पॉजिटिव कर देता है तो प्लस टू, ठीक है डिफाइंड है। तो नेगेटिव आप कुछ भी रख लो, चाहे माइनस फाइव माइनस सिक्स सब पे होगा, चलो पॉजिटिव रख लेते हैं, थ्री थ्री माइनस वन टू डिफाइंड है। यानी कि नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर रख रहे हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सब पे डिफाइंड आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। डोमेन क्या हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं रेंज पे, रेंज क्या होगा जब हम डोमेन पुट करते हैं आंसर क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं पुट करके। माइनस टू रखा सपोज करो, तो माइनस टू मैं कुछ करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने माइनस टू रखा तो माइनस टू माइनस वन मॉड माइनस थ्री, तो रिजल्ट क्या आया थ्री, पॉजिटिव नंबर, चलो पॉजिटिव रख लेते, चलो फोर रखा, फोर माइनस वन थ्री, तो आप देख पा रहे हो कि चाहे मैं नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ चाहे पॉजिटिव, आंसर क्या मिल रहा है पॉजिटिव। और मैंने रेंज क्या बताया, जब आप एक्स पुट करते हो जो आउटकम होता है वो पॉजिटिव मिल रहा। चलो ये डिसाइड हो गया कि रेंज पॉजिटिव मिल रहा, नेगेटिव तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि मॉड में कभी नेगेटिव आएगा नहीं, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो जब आप एक्स के लिए वन रखोगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो पॉजिटिव से पहले सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो, तो होगी उसके बाद तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट। समझ में आया। तो डोमेन क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड वैल्यू दे रहा हो, और रेंज क्या है जिस पे हम एक्स पुट करते हैं जो आउटकम मिलता है वो हमारा रेंज होता है। आई होप आपको समझ में आया, नोट कर लें। अभी मैं दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करें, पेपर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, उसमें भी आपको डोमेन और रेंज क्लियर होगा। चलिए नोट करें, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में भी डोमेन और रेंज निकालना है। जैसे लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस, फर्स्ट मैंने मॉड के लिए लास्ट क्वेश्चन में था,
और सेकंड, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आता है स्कूल में, यहाँ 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, लेकिन ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन जरूर है। चलिए पहले मॉड वाला डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास मॉड एक्स लिखा हो, अब इसमें थोड़ा कंक्लूड करते हैं एक रिजल्ट, चाहे पेपर में मॉड एक्स आ जाए, चाहे मॉड एक्स प्लस टू आ जाए, चाहे मॉड एक्स माइनस टू, एक्स वाई जेड, लीनियर की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की नहीं, मतलब एक्स प्लस टू लीनियर, लीनियर तो जानते हो ना, जिसमें एक्स की पावर वन हो, तो उसका याद रखना डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। क्यों? इसमें अब माइनस से प्रॉब्लम आप मत सोचो, डोमेन में माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं कहूँ एक्स टू रखा, टू का मॉड टू होगा, बाहर माइनस है, माइनस प्लस ये मत सोचो, पॉजिटिव लाना है, एक्स पुट करना है, डिफाइंड वैल्यू मिलनी चाहिए, डिफाइंड चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका एक्स जो है, एक्स की वैल्यू जो है जिसपे बस फंक्शन डिफाइंड आ जाए वो हमारा डोमेन है। तो आप देख पा रहे हो, आप बता दो, कोई आपको लग रहा है कोई वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसपे अनडिफाइंड हो जाए? नहीं है ना। तो इसका मतलब है हम एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन जो है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। अगर मैं एक्स को जीरो रखूं तो जीरो आ जाएगा, वन रखूंगा तो वन का मॉड, देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ, जैसे मॉड एक्स है माइनस का, तो मैंने टू रखा तो मॉड टू टू हुआ, लेकिन बाहर है माइनस तो माइनस आया। मैंने माइनस वन रखा तो माइनस मॉड वन तो प्लस वन हो जाएगा, लेकिन बाहर है माइनस। तो आप देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव रखूँ, ठीक है, मतलब यह नंबर लाइन बनाऊँ, चाहे मैं नेगेटिव रख रहा हूँ चाहे मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो आंसर मिल रहा है वो हमेशा नेगेटिव मिल रहा है, ये वाला पार्ट। और जीरो पे तो जीरो रखोगे तो जीरो इंटू माइनस वन वो तो जीरो होगा, जीरो तो मिलेगा, लेकिन आपको आंसर इधर साइड मिल रहा है पॉजिटिव। कभी आप ऐसी कोई भी वैल्यू रख लो पॉजिटिव आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाहर है माइनस तो हमेशा रिजल्ट को नेगेटिव कर देगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और जीरो इंक्लूडेड है तो ये क्लोज ब्रैकेट लगाना है। इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि रूट में है तो आप प्रॉपर लॉजिक यूज कर सकते हैं कि रूट के अंदर वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव लेना है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, वैसे सोच के देखते हैं, अगर मैं इसको 2 लूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 आ जाएगा, रूट 5 आएगा, वो डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं एक्स को 5 ले लूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 9 माइनस 25 माइनस 16 नेगेटिव आ गया, वो भी रूट में, तो डिफाइंड नहीं होगा ना, तो 5 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 तक ले सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो नेगेटिव में भी वही चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो हम माइनस में भी माइनस 2 माइनस 3 ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लियरिटी नहीं आ पा रही है तो बेस्ट है ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, रूट के अंदर वाले पार्ट को पॉजिटिव ले लेना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ी इनइक्वालिटी का आइडिया आपको होना चाहिए, तो वही मैंने बताया वीडियो देखने जाके, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो फर्स्ट लॉजिक है कि उसमें वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 9 नेगेटिव हो जाएगा, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स मतलब अगर ग्रेटर देन है तो लेस हो जाएगा, लेस होता तो ग्रेटर देन, याद रखें इनइक्वालिटी में ये बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स प्लस 3 फैक्टर बना लिया। अब इसके बाद भी आपको समझना है कि अगर फैक्टर दे रखा है इनइक्वालिटी में तो कैसे सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन लिया करो और एक्स की जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ रखते हैं, जैसे एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 3 को जीरो करा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस 3। और एक बार एक्स माइनस 3 को जीरो करा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 3। तो मैं फिर से बता दूं, अगर इनइक्वालिटी में कोई फैक्टर आता है, किसी भी इनइक्वालिटी में फैक्टर आ जाए तो आप नंबर लाइन पे एक्स की वैल्यू को प्लॉट कर लो। अब आप देख पा रहे हो ये नंबर लाइन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3। और इसको और क्लियर करने के लिए इसको इस तरीके ब्रेक कर लिया करो, और यहां हमेशा स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब पहले प्लस आएगा फिर जितने बार भी है साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस और होता तो माइनस प्लस अल्टरनेट लगाना है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसकी वैल्यू, इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ इसमें नेगेटिव होगी और यहाँ पॉजिटिव होगी, ये मतलब है इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो आपको पता लग रहा है
अब आपको पता क्या करना था, आपको बोला गया था ये जो फैक्टर है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो यही है, तो एक्स क्या हो गया माइनस थ्री से थ्री, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो फिर से समझ लो क्या हुआ, सबसे पहले बेसिक कंडीशन लगाई कि रूट के अंदर वाला पार्ट इसको पॉजिटिव करो, इनइक्वालिटी में एक चीज ध्यान रखें, वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो ये ग्रेटर देन का लेस देन हुआ। फिर फैक्टर करें, अब फैक्टर को कैसे देखते हैं कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, यानी ये जो प्रोसेस किया गया वो इस फैक्टर को देखने के लिए कि वो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, वो इस नंबर लाइन से करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आई, यहां पे थ्री आई, इनको बना लो, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव, हमें चाहिए था नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला जो भी पार्ट होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, क्लियर होगा ये, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। अब आप सोचो कि अगर डोमेन है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को पुट करा तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस प्लस नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, तो मिनिमम वैल्यू तो जीरो मिलेगी, ठीक है। और अब मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम तब जाएगी जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर मैं एक्स को जीरो ले लूं और डोमेन में है जीरो, क्योंकि माइनस थ्री से थ्री के बीच में जीरो तो आ ही रहा है, तो अगर मैं एक्स को जीरो कर दूं तो नाइन बचेगा, नाइन का रूट थ्री, तो यानी कि थ्री से ज्यादा कभी रेंज मिलेगी नहीं, तो इसका जो रेंज होगा वो जीरो से थ्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखोगे थ्री या माइनस थ्री, तो नाइन माइनस नाइन जीरो आ जाएगा, और सबसे मिनिमम वैल्यू रखोगे जीरो तो उस पर आपको क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा पुट करके देखें, मैंने बोला ही था डोमेन पुट करते जो आंसर मिलता है, ये कर आप थोड़ा सा प्लॉट करके देख लें, कुछ वैल्यू आप अपने मन से सोच के देखें, लेकिन आपको आंसर यही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार फिर से देख लें इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप एक बार नोट कर लें, और आपको समझ में आए तो लाइक भी करते चलें, ठीक है, अगर नहीं किया अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है लेट एफ इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब डोमेन दे दिया है कि कोई भी रियल वैल्यू है, बी एफ फंक्शन आर इन टू आर, और हमें आर मतलब डोमेन रियल नंबर है, इन टू आर का मतलब को डोमेन भी इसका रियल नंबर है, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द रेंज। रेंज कैसे आता है, जब हम एक्स पुट करते हैं, तो पहले तो ये समझते हैं इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा, इसका मतलब है कि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है, और उस फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट तो हमें यही समझना है। चलिए एफ एक्स आ गया, डोमेन दे ही रखा है कि रियल नंबर है, चलो अगर नहीं दिया होता डोमेन तो सोचते, देखो अगर आप एक्स चाहे जीरो रखो चाहे माइनस वन रखो वैसे ही प्लस हो जाता, और आपको रिजल्ट एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाती, तो इसीलिए डोमेन दे दिया है, कोई अच्छी बात है, नहीं दिया होता तो हमारा डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर आता। चलिए रेंज पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत क्या है, जैसे मैंने एक्स को जीरो रखा तो जीरो अपन वन जीरो आ रहा है, टू रखा तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, तो कुछ वैल्यू आएगी लेकिन बहुत क्लियर नहीं है एग्जैक्ट क्या आएगा, टू आएगा वन आएगा, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो कितनी वैल्यू रखें ऐसे, तो क्योंकि रियल डोमेन रियल नंबर है, रियल में तो 0.1 भी आएगा, 0.00001 भी आएगा, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगी और हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालना आसान नहीं है माइंड से सोच के। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और तो हमें क्या करना है, रेंज का सेट पैटर्न यूज करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ आपको एक सेट पैटर्न भी बताता चलूँ कि रेंज का सेट पैटर्न क्या है, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो उस केस में हमें करना क्या है, एफ एक्स को वाई लेना है और एक्स अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये टारगेट रहता है। वाई का मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म इधर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, स्क्वायर रूट कर दो, जब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आ जाए फिर हम ये सोचते हैं कि वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और जो वाई की वैल्यू होगी वही हमारा रेंज होगा। अब मैंने आपको बता रखा है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, कि रूट किया अंदर वाला पार्ट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, और फिर ये एक चीज और बताई थी कि वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा पॉजिटिव,
और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, बस इतना हो गया। अब आप देख पा रहे हो दो फैक्टर हैं, फैक्टर मल्टीप्लाई में हो अच्छी बात है, जो लास्ट क्वेश्चन करा है, फैक्टर डिवाइड में भी हो। कुछ को लगता है ये फैक्टर कैसे, अरे कोई नहीं इसमें जीरो लिख लो साइड में, क्या दिक्कत है। अब दिख रहा है ये फैक्टर, ये फैक्टर, चाहे फैक्टर मल्टीप्लाई में हो चाहे फैक्टर डिवाइड में हो, आपको लॉजिक वही है। अगर आपको देखना है कि ये इनइक्वालिटी कहाँ पॉजिटिव है, यानी ये जो फैक्टर है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो क्या यूज करना है, नंबर लाइन। यानी कि आपको कभी इनइक्वालिटी में चाहे मल्टीप्लाई में फैक्टर हो चाहे डिवाइड में, आपको ये चेक करना है कहाँ रिजल्ट पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, तो एक वाई की वैल्यू जीरो है और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन। फिर मैंने क्या कहता, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, प्लस माइनस प्लस। प्लस मतलब ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव यहाँ होगा, यही वाला टर्म यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए वो देखा करो क्वेश्चन से। यहाँ लेस देन लिखा है, लेस देन का मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वाली वाली तो ये है। तो आंसर आया वाई बिलोंग्स टू जीरो टू वन। अब कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज, तो ये समझ लेते हैं। देखो वाई माइनस वन डिवाइड में है, और अगर मैं वाई के लिए वन रख दूँ तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर नीचे जीरो आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर पार्ट में जीरो का, तो वन अपॉन जीरो हो चाहे टू अपॉन जीरो, नीचे जीरो का मतलब अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। अनडिफाइन तो मैं करना नहीं है, तो वन पर रखो ओपन ब्रैकेट, ओपन मतलब वन नहीं होगा, वन के अलावा सारी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, जीरो तो न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर में अगर जीरो पॉइंट वन है तो डिफाइंड वैल्यू मिलती है। प्रॉब्लम कब होती है, जब डिवाइड में जीरो आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम करता है, ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो पे क्लोज ब्रैकेट कर लेंगे और ये हमारा रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर रेंज डायरेक्ट ना निकल रही है तो हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हों, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही।